अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं रियल वेव मोहसिन बहुत दिन के बाद आपके सामने। चंद ऐसे मसलों को जो है ना, जिस तरीके से आज हालात को बिगाड़ दिया जा रहा है, किस तरीके से आज लोगों को जो है ना मुतासिर और परेशान किया जा रहा है, उस मसले पे बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। आज हमारे सारे हिंदू भाई, हिंदू लीडर जो है ना, हिंदू को हिंदू बनाने में लगे हुए हैं और हमारे मुसलमान लीडर मुसलमान को मुसलमान बनाने में लगे हुए हैं। सबको ये अपनी अपनी तरफ से प्रूफ करने पर। चलिए, हम अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, जो इतने शार्प है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी शार्प अपना दिमाग रखते हैं। जब उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि भाई उन मस्जिदों का क्या होगा जो मस्जिदों को आपने आपकी गवर्नमेंट में शहीद किया, तो आप सारी बात सुनकर वो सहाफ़ी को दोहरा कर पूछ रहे हैं कि भाई आप किस मस्जिद की बात कर रहे हो? आप वो शमशाबाद की मस्जिद की बात कर रहे हो, मस्जिद रौफ की बात कर रहे हो, जो हमारी गवर्नमेंट में शहीद ही नहीं हुई, हमने कभी देखा ही नहीं, हमको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। वो सहाफी आपसे जो मस्जिदों की बात कर रहे थे, जिस मस्जिदों को आपकी गवर्नमेंट यानी TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति फॉर्म होने के बाद शहीद किया गया था। अब दूसरी चीज, हर एक पॉलिटिशियन जो है ना, अपनी पॉलिटिक्स करने का अंदाज जो है ना, प्राइम मिनिस्टर के नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत अच्छे तरीके से बता रहा है और कर रहा है, वो चाहे मुसलमान लीडर हो या फिर नॉन मुस्लिम लीडर हो। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चला के घरों को तोड़ रहे थे, उसी तरीके से आज हर एक छोटा लीडर, हर एक गली का लीडर, हर एक खातिल लीडर जो है ना, वही चीजों पे अमल कर रहा है। वो चाहे किसी का भी मकान बनने में बहुत वक्त लगता है, मकान बिखरने में वक्त नहीं लग रहा है, क्योंकि आज सारी आवाम उनके साथ हाँ में हाँ मिला रही है। और ये सारा साइड इफेक्ट जो है, वो साइड इफेक्ट आपको मिल रहा है सोशल मीडिया की तरफ से। मैं उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर आकर अपने मसलों का हल ढूंढ रहे हैं, मैं उनको एक चीज बता दूं, बीवी और शौहर के मसलों का हल कोई सोशल मीडिया नहीं दे सकता है। आप अपने शादीशुदा जिंदगी के हालात सोशल मीडिया पर बताने से सिवाय मजाक और आपके घर की बर्बादी के अलावा कोई चीज का आपको सलूशन नहीं मिलेगा। आपके लिए हैदराबाद में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नाहिदा कादरी और उनका शौहर रहीम, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी तबाह कर ली और अपनी जिंदगी के मसलों को सोशल मीडिया पर रखकर सोल्यूशन निकालने की कोशिश किया और आखिरी में उनका घर लेवल कर दिया गया, घर भी बर्बाद और जिंदगी भी बर्बाद। तो सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डालने वाले और अपने मसले और अपने पर्सनल इश्यूज को डालने वालों के लिए और इनको प्ले कर इनके पास से, मजबूर लोगों के पास से 4 पैसे वसूल करने वाले वो चैनल्स वालों को कह रहा हूं कि भाई आप जिनका मजाक बना रहे हो उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जा रही है। तो ऐसे किसी के जिंदगियों का मजाक ना बनाएं। सोशल मीडिया पर आप अपनी घरेलू जिंदगी, आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप बनाने से ना तो वो पुलिस है ना ही उसका कोई सोल्यूशन मिल सकता है। यहां पर सिर्फ आपको एडवाइस मिल सकती है और मजाक बन सकता है। तो अपनी जिंदगियों को मजाक बनाना छोड़ दो, सोशल मीडिया के चंद रिपोर्टरों के बातों में आना छोड़ दो, अपनी जिंदगी को सीरियस ले जाना सीखो, सोशल मीडिया पर चलना छोड़ दो, शहरियत पर चलना सीखो, खाजी के पास जाना सीखो, मस्जिदों में इनका सोल्यूशन निकालना सीखो, चंद लोगों के बातों में आके अपनी जिंदगियां बर्बाद करना छोड़ दो। अनायत के मसलों में जो है ना जिंदगी तबाह होती है और अपनी जिंदगी मजाक बन जाती है। और जो लोग ये कह रहे हैं बड़े बड़े लीडर्स के भाई उनके साथ जो हुआ वो बेहतर हुआ, तो भाई अल्लाह उनके साथ भी बेहतर करना जो खातिल है, जो लोग खत्ल करके जो है ना कुर्सियों पर और अपनी जिंदगी सुकून में गुजार रहे हैं, अल्लाह अगर अच्छा कर दे तो उनके साथ भी जो है ना वही मामला हो जो मामला जो है ना किसी मजलूम के घरों पर हो, मजलूमों के घरों पर। आज तक जो है उस्मान नगर की आवाम को सोल्यूशन नहीं मिला, उस्मान नगर की आवाम मुतासिर है, उसके बावजूद भी असेंबली में ऐसे कई ड्रामे हो रहे हैं, ऐसे कई लीडर्स जो है आवाज उठाकर लोगों का हक मांग रहे हैं और लोगों को जो है हक के नाम पर जो है बजट रिलीज करा रहे हैं। वो बजट कहां जा रहा है मेरे भाई? वो बजट का कोई सोल्यूशन नहीं है, वो बजट की कोई बताओ नहीं है। आज TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति जो है भारत राष्ट्रीय समिति बन गई है, पर जो है ना मुकम्मल राष्ट्र जो तेलंगाना राष्ट्रीय है वो वहीं का वहीं रुका हुआ है। यहां पर क्या डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से हुआ है, नहीं, यहां पर बड़े बड़े स्कैमर्स बड़े बड़े औहदों पर बैठे हुए हैं जिनके नाम ईडी रेड्स में आते हैं, जो बड़े बड़े स्कैम करप्शन करते हैं, जो सारे तेलंगाना को करप्शन सिखाए हुए हैं, वो लोगों को जो है ना पोजीशन मिलता है, औहदा मिलता है। अवाम जिनको जो है ना सारा हिंदुस्तान पहचाना है, आप कब पहचानोगे हैदराबाद की अवाम? बस इतना ही कहना चाह रहा हूं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दूसरों की बातों को सुनकर अपनी जिंदगी मत गुजारिए और दूसरों के बातों को जो है ना प्रमोशन जो लेवल में लेके जा रहा है उस तरीके से जिंदगी को अमल मत करिए। जिंदगी को जो है ना अपने तरीके से और सोच समझ कर जो है उसके ऊपर स्टेप लीजिए। जिस तरीके से
हमारे चीफ मिनिस्टर मिस्टर KCR एक पॉलिसी खेल रहे हैं, मुसलमानों के तहत रहकर, मुसलमानों के अंडर में रहकर निजाम की निशानियों को मिटाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से असेंबली को डिसॉल्व किया गया, जिस तरीके से मस्जिदों को खत्म किया जा रहा, और आने वाले वक्त में वक्त को डिजिटलाइज करने का वादा कर डिजिटलाइज नहीं करके वक्त की जायदादों को लूटा जा रहा है, तो ये चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोदी से ज्यादा डेंजर है। तो आप इनके ऊपर सोचिए, और इनके साथ जुड़े हुए रहने वाले लोग उनसे ज्यादा डेंजर है, जो हमारे सफों में रह के हमको दीमक की तरह खाते हैं, हमारी जायदादों को और अल्लाह की जायदादों को खाते हैं। तो अल्लाह उनको जो है ना, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, हर किसी को खात्मा लिखा हुआ है, उनको भी मिलेगा। तो ये सारे लोग आज हमारे चीफ मिनिस्टर को देख के, रेड्डी ब्रदरी ने एक मस्जिद को शहीद कर दिया, मस्जिद की बाउंड्री को शहीद कर दिया, एक ऐसी सीख दिया जा रहा है हिंदुस्तान से तेलंगाना को, और जो है ना इंडिया से तेलंगाना को, एक ऐसी सीख, एक हर नॉर्मल इंसान के दिमाग में एक ऐसी सीख डाला जा रहा है कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला हो सकता है तो हर मस्जिद का फैसला होगा। हर मस्जिद की बुनियादों को और हर मस्जिद के ऊपर जो है क्रेन लगाने से पहले सोच लो। आज भी जो है मुसलमान तेलंगाना का जागा नहीं, जिस दिन जाग जाएगा तो ये सारे लोग परेशान हो जाएंगे। और जिस तरीके से माहौल बनाया गया है कि सेक्रेटरीट के मस्जिदों को शहीद कर दिया तो कुछ नहीं हुआ, ये चीफ मिनिस्टर का बनाया हुआ माहौल है। जो हमारे चीफ मिनिस्टर, एकदम सेकुलर चीफ मिनिस्टर जो हमारे महमूद अली साहब के नज़र में है, उनका बनाया हुआ यह माहौल है। आज उन्हीं की बातों पर और उन्हीं के चीज़ों पर अमल करते हुए नाव में कामरेड्डी के करीब में एक मस्जिद की बाउंड्री को जो है ना शहीद कर दिया, और कोई मुसलमान लीडर इसके ऊपर आवाज़ उठाने से जो है ना पीछे हट रहा है। तो हम इतने खतरनाक हो चुके हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में, भाई हमारे नाम पे थोड़ा है, हमारे घर पे थोड़ा है, हमारी बस्ती में थोड़ा है, वो तो अल्लाह का घर है, कहीं और है, शहीद हो गया, हमको क्या करना है। भाई जो चीज़ बुलडोजर जो है योगी आदित्यनाथ यूपी में चलाते हुए हैदराबाद में ला लिए हैं, हैदराबाद के मुसलमान उसको जो है ना फॉलो करते हुए अमल कर रहे हैं, तो सोचिए आज कानपुर में दो औरतों को जो है जिंदा जला दिया गया, क्या आप उस दिन का इंतजार करेंगे कि हैदराबाद की आवाम और हैदराबाद की औरतों को जिंदा जलाया जाए? नहीं करेंगे ना। तो अपनी आवाज बुलंद करिए, और ये सारी चीजों को जो है ना, हथरस के बाद जिस तरीके से कानपुर में हुआ, ये सारी चीजों को माँ बहन, वो कोई भी धर्म की हो, वो मेरी माँ और बहन है, उनके लिए इंसाफ की आवाज उठाइए। और ये चीप पॉलिटिक्स जो अपने दर पे और अपने घरों पे कर लेने वाले, जो ये चंदे का धंधा और चंदे के लेवल में अपनी पॉलिटिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनकी भी पहचान करिए और इनसे थोड़ा सा जो है ना परहेज करिए। और हिंदू हिंदू को हिंदू नहीं, और मुसलमान मुसलमान को मुसलमान नहीं, बल्कि एक इंसान हो दूसरे इंसान को इंसान बनाने की कोशिश करिए, ना कोई धर्म को धर्म से बनाने की कोशिश करिए। अस्सलाम वालेकुम।